हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ और एक नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑनलाइन कंपाइलर। अगर आपको कुछ कंपाइल करना है कोड्स को, वो भी ऑनलाइन मेथड में, तो आप कैसे कर पाओगे? कौन सी वेबसाइट अच्छी है कंपाइलर के लिए? ठीक है, वो इस आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपको करना यह है, गूगल क्रोम पे जाना है, सर्च पे आ जाना है। सर्च करना है आपको ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ये आपको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। ऑनलाइन GDB है, प्रोग्रामिज है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, वन कंपाइलर, कोड चेफ, ID1.com, बहुत सारे ऐसे आपको कंपाइलर मिल जाएंगे। पर जो पहला कंपाइलर है यहाँ पे, ऑनलाइन GDB.com फॉर ऑनलाइन सी कंपाइलर, सी लैंग्वेज को ये परफेक्टली कंपाइल करता है एंड बेस्ट वेबसाइट फॉर ऑनलाइन कंपाइलर। इसके अंदर आप अपना साइनअप भी कर सकते हो, आईडी पासवर्ड से, गूगल से, गिटहब से, फेसबुक से, और आप नॉर्मली भी आप नेम, ईमेल और पासवर्ड से भी साइनअप कर सकते हो। और जैसे साइनअप आप कर लेते हो तो आप अपना डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी है, मेरा ये है, तो मैं ये लॉगिन कर देता हूँ। मेरा लॉगिन करने के बाद मैं लॉग्ड हो गया हूँ अंदर। अभी मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ, तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे इसके अंदर, वो सब के सब प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये हेलो वर्ल्ड किया, इंटीजर ऐड, इंटीजर सबट्रैक्ट, इंटीजर प्रोडक्ट, डिवीजन, एज, वेट, जेंडर, फंक्शन कॉलिंग, ऐड, सबट्रैक्ट, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये मैंने कुछ 8 प्रोजेक्ट किया है। तो 8 का 8 प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो हुआ हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर भी सकते हो, प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट को डिलीट करके आप बिन से वापस ला भी सकते हो, एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आप कोई समझ लीजिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, माय प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट से मेरे, अभी एक नया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तब कंपाइलर पे आ गए हो। आपको यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट ऑल कर लेना है, फिर आपको बैकस्पेस दबा देना है। दबाने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो भी कोड टाइप करना है, जैसे मैं अभी आपको हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के और उसे रन करके दिखाऊंगा, कैसे आप इनपुट देते हो और कैसे वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो #INCLUDE स्टूडियो। ठीक है, हाँ, अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपको इसके अंदर करेक्शन देता हूँ। आप कभी भी कोड लिखो तो आप कैप्स में ना लिखो। देखिए, मैंने छोटी सी गलती की है तो मैं आपको अभी सुधार रहा हूँ यहाँ पे। कभी भी आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को आप लिख रहे हो, तो उससे आप कभी भी पूरा का पूरा कोड कभी भी कैप्स में नहीं लिख सकते। आप लिखते हो तो आपके प्रोग्राम में आपको एरर आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने गलती की, मैं इसको सुधार रहा हूँ। मैं इसको अभी कैप्स लॉक से हटा के वापस लिखता हूँ, #INCLUDE, फिर ये आता है मार्क, फिर लिखना है STDIO.H और ये मार्क। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको नीचे लिखना है इंट मेन। कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए इंट मेन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंट मेन मैंने दे दिया है। फिर आपको एंटर करना है, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दे देने हैं। देने के बाद यहाँ पे आपको अपना कोड टाइप करना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, फिर मैं 2 ब्रैकेट दे देता हूँ, अंदर मैं डबल इनवर्टेड कोमा लगा देता हूँ, उसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और ये लिखने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन से एंड कर देता हूँ, और लास्ट में मैं रिटर्न वैल्यू दे देता हूँ, रिटर्न 0 और सेमी कॉलन। रिटर्न 0 इसके लिए दिया जाता है, अगर आप कोई भी इंट वाला मेन या पे आप फंक्शन कॉल करते हो तो उसे एक रिटर्न वैल्यू दी जाती है 0। तो रिटर्न 0 ये नल वैल्यू है, नल वैल्यू को रिकॉल करके तभी ये आपकी स्क्रीन के आउटपुट में होल्ड करके रहेगा, उसके लिए ये रिटर्न दिया जाता है। तो अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के हो गया है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से सिंपली से रन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके कीबोर्ड में फंक्शन 9 का बटन रहेगा यानी F9, उसको भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे वैसे आपको यहाँ पे चूज़ लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। तो ओके दबा के यहाँ पे जाके जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सी, C++, C++14, C++17, सी टर्बो सी, C++ टर्बो सी। टर्बो सी की जो लैंग्वेज होती है, जो टर्बो में आप सी कंपाइल करते हो, वो भी यहाँ पे दिया गया है। और सी, जावा, पाइथन 3, PHP, C#, वी भी बहुत सारे आपको दिया गया है, आप कोई भी यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, और सी करने के बाद यहाँ पे कंपाइल हो गया है हमारा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। तो ये आपको पता ही होगा जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो उसका जो भी आउटपुट है यहाँ पे आ जाएगा। ये एकदम इजी है, एकदम बेस्ट कंपाइलर है। अगर आपको कंपाइलर ढूंढ रहे हो ऑनलाइन बेस्ड कंपाइलर वेबसाइट के थ्रू, तो ये बेस्ट है। इसके अंदर आप अपने सेव भी कर सकते हो, अभी मेरे को समझ लो ये सेव करना है, तो सेव के ऊपर क्लिक करके जो भी प्रोग्राम का नाम लिखना, मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, और इसे नॉर्मली सिंपली सेव कर सकते हो। ये सेव हो गया है, आप माय प्रोजेक्ट में जाके चेक भी कर सकते हो आपने क्या क्या सेव किया है। तो अभी ये माय प्रोजेक्ट्स में आ गया, तो मैंने देखो पहले भी हेलो वर्ल्ड सेव किया था, और अभी मैंने जो हेलो वर्ल्ड किया वो भी यहाँ पे आ गया है। आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसको शेयर भी कर सकते हो, और आप उसको फोक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ये हो गया ऑनलाइन कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज, और बहुत सारे लैंग्वेज भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये कंपाइलर बेस्ट है, और ऑनलाइन जी, इसका नाम है ऑनलाइन GDB, ठीक है। आई होप आपको ये कंपाइलर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस में लाते रहूँगा। और अगर आपको सी लैंग्वेज या फिर HTML की कोड्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, और उसका अगर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अगर आपको अगर उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बेस के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो प्रोवाइड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।